तो लोकतंत्र का महापर्व है आज सुबह 7 बजे से लगातार। आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। इसी के साथ अब आपको पीएम मोदी ने एक्स पर क्या पोस्ट किया है वो भी एक बार आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और लिखा कि लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है, हर एक वोट की कीमत है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है। इस तरीके की तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखी हैं। तो देखिए, लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। तो देखिए, 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और ये सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा फेज है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ईवीएम में खराबी आ गई है, जिसकी वजह से मतदान प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर इस वक्त ईवीएम में रामपुर की बात हो रही है, रामपुर में ईवीएम में खराबी आ गई है और ऐसे में थोड़ी देर के लिए मतदान प्रक्रिया बाधित हो चुकी है और लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आपको लगातार बता रहे हैं कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। नेताओं ने जनता से वोट डालने की अपील की है और हर सीट से वोटिंग की हर तस्वीर सबसे पहले नेटवर्क 10 पर। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग हो रही है, राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान चल रहा है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, ये वेस्ट की सीटें हैं आपको बता दें, और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए एक पूरी नाक की सीट ये छिंदवाड़ा बनी रहती है, क्योंकि कमलनाथ का यहाँ पर दबदबा है और ऐसे में कमलनाथ ने इस बार अपने बेटे यानी नकुलनाथ को इस सीट से उतारा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर नकुलनाथ उस परंपरा को बनाए रखते हैं या फिर कुछ बदलाव इस सीट पर देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तराखंड की अब बात कर ले तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। देखिए, 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड में आज पहले ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और असम की अगर मैं बात करूं तो असम की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा, उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करवा देती हूं, बीजेपी प्रवक्ता शमशी आजाद जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता संजीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरी जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। शमशी आजाद जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है, सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है, लोग वोटिंग स्थलों पर पहुंच रहे, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसी बीच एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट शमशी आजाद जी, आपको रोकना चाहूंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो माता रानी के मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार इस तरीके की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नेता पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ माता के मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज ऐसी तस्वीरें लगातार आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह तस्वीर है। चलिए वापस चर्चा में लौटते हैं, शमशी आजाद जी क्या कहेंगे? आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे सभी भाइयों को, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशियों को आपने देखा कि इन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो भगवान के दर्शन करके यानी मंदिर जाकर के पूजा प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके भगवान का, उसके बाद उन्होंने चुनाव के मतदान की अपनी और अपनी जो आज का उनका भविष्य है उसकी शुरुआत की है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद हो उसको जनता का आशीर्वाद हर हाल में मिलना है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो आज उत्तर प्रदेश में 8 सीटें जो महत्वपूर्ण मानी जा रही, जिसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमजोर है, लेकिन आपने देखा होगा कि विगत 2 हफ्तों से और 3 हफ्तों के अंदर जो समीकरण उत्तर प्रदेश में बदले हैं, जो पश्चिम की सीटों पर बदले हैं, जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बदले गए हैं, तो ये सारी चीजें मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में इतने मजबूत माने जा रहे हैं कि आज विपक्ष के प्रत्याशी खुद जो है ये असमंजस में है कि वो चुनाव लड़े कि न लड़े, वाकओवर दे दे कि क्या करें, क्योंकि जनता उनका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं कर रही। जनता का यही कहना है कि हर मुद्दे पर ही आप जो है सरकार का विरोध करते हो, जनता का विरोध करते हैं और आप वो प्रत्याशी हैं कि जब चुनाव होता है तभी आप हमारे बीच में आते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चाहे वो जीते हुए हो और चाहे हारे हुए हो, लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं, लगातार उनका कार्यालय खुलता रहता है, उनके प्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जो है वो हमसे मिलते रहते हैं, हमारे साथ संपर्क में बने रहते हैं, तो हमको उन पर विश्वास हो जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, लगातार जब
कोई एक दूसरे से मिलता रहता है तो एक अटूट रिश्ता बन जाता है, और उसी रिश्ते को जब वो भुनाने का वक्त होता है तब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चेहरा देखते हैं। और इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव जो है वो राष्ट्र पर आधारित है, देश पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, ये समझ लीजिए कि विकास पर आधारित है। और हर आदमी जिसको अपने मुल्क से प्यार है, जिसको वतन से मोहब्बत है, जिसको देश से प्यार है, और जो चाहता है कि चलिए इसी बीच सिंह पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी क्या कुछ कह रही वो आपको सुनवाते हुए हैं। वो भूतों ना भविष्य, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे देश के हर नागरिक के लिए हो, इतनी सारी योजनाओं का आना, उनको लाभ मिलना और देश जो है पांचवी अर्थव्यवस्था बनना, तो हर तरह से विकास हुआ है। और महिलाओं का वाकई में मान सम्मान और स्वाभिमान अगर किसी के समय में बढ़ा है, महिलाएं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय में करती हैं, और पूरा समर्थन उनको मिलने जा रहा है देश का। इस बार जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि 400 पार जो है हमारी सीटें आएंगी और फिर से जो है कमल खिलेगा। देखिए हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने जितने भी हमारे प्रदेश के लिए जो है निर्णय लिए हैं और जितने भी बहुत ही तेजी से जो काम किया है उसका बहुत अच्छा जो है आशीर्वाद लोगों का मिलेगा, और लोगों की जनता के अनुरूप ही जो है वे कार्य कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही वे कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि सभी का समर्थन बहुत अच्छा मिलने वाला है। चलिए ठीक है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी को आपने सुना, चलिए वापस चर्चा में वापस लौटते हैं। शमशिया आजाजी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। यही लगता है ना, और महिलाओं की जैसे अभी आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी ने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि आज भारत में महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज भारत में महिलाएं, आप चाहे क्रिकेट देख लें, चाहे चंद्रयान पर चढ़ना हो, चाहे उसमें भाग लेना हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस की तैयारी हो, चाहे वो जुडिशरी की तैयारी हो, चाहे सिविल की तैयारी हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता भारत में जो है महिलाएं अपने को मजबूत महसूस। चलिए वापस आजाद जी आपके पास वापस मैं लौटूंगी। इस बीच संजीत सिंह कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीत सिंह शाह जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, अपनी बात भी रखिएगा। इसी के साथ अभी आपने अगर बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए लगातार हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या कहेंगे और शायद आप कुछ कह भी देते हैं, अपनी बात भी कंप्लीट कीजिए। पहले तो मैं उन तमाम 102 सीटों को जो आज उस लोकतंत्र में तमाम सभी लोग जो भागीदारी कर रहे हैं, मैं उनको आज इस लोकतंत्र की बधाई देता हूं। मैं हंसी आ रही थी इस बात से कि आज पुष्कर सिंह धामी की पत्नी महिला सम्मान की बात कर रहे थे। मुझे याद आ रहा है कि साक्षी मलिक केवल जाटों की बेटियां नहीं थी, वो इस देश की बेटियां थी, कुश्ती पहलवान, जो जब जीतती तो देश का झंडा बुलंद होता था, लेकिन उसको क्या किया, देश की संसद के सामने नीचा करके मारा। क्या आज केवल वो देश की बेटी को नहीं मारा गया? क्या मणिपुर के अंदर देश की बेटी को नहीं मारा गया, उनको नंगा नहीं घुमाया गया? क्या कानपुर के अंदर देश की बेटी को के साथ गैंगरेप नहीं किया गया? क्या बनारस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बनारस की बेटी के साथ गैंगरेप नहीं किया गया? क्या लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जिस प्रकार का भारत सरकार के मंत्री के बेटे ने जो कांग्रेस को राजस्थान में भी झांक लेना चाहिए। देखिए राजस्थान आज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं जब आपके शासनकाल की बात कर रही हूँ, जब आप लोग उस समय सत्ता पर थे तो उस समय पे भी झांक लेना चाहिए। सम्मान की बात तो आपके मुंह पर भी अच्छी नहीं लगती। नेहा जी, नेहा जी बहुत बढ़िया। निशा स्टूडियो से, निशा आपसे बात कर रही हूँ मैं। निशा जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब बीजेपी के खासतौर से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा जब महिलाओं बीएचयू के स्टूडेंट के साथ अगर छेड़छाड़ होती हो, गैंग रेप होती हो, और वो भाग करके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप उसको बचाए, तो निश्चित रूप से ये सवाल के चलिए। ये तो रोज लगा रहता है, ये वार प्रतिवार तो रोज लगा रहता है, लेकिन जरा ये तो बताइए, सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है, क्या कहेंगे? वो कह रहे कि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। संजीत जी, निशा जी, एक कहावत है, हारे को हरी नाम। हाँ। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की हत्या जिस प्रकार मोदी जी ने लगभग 3 से 4 दिन पहले उन्होंने
मोदी की गारंटी के रूप में किया है। मैं समझता हूं आज जो व्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है कि आज वो गुलामे की भूमिका में है, वो अपना जीवन सही से जी नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं 102 सीटों में कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक इंडिया गठबंधन के दल लगभग 80-90% सीटों को जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपने 5-5 साल के 2 टर्म मिलने के बावजूद भी जन आकांक्षाओं के साथ जिस प्रकार का धोखा उन्होंने किया है, मैं समझता हूं जनता उनका जवाब देने जा रही है। क्या क्या 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा पूरा हो गया? क्या उन तमाम किसानों की आय दोगुनी हो गई? और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने MSP की लीगल गारंटी देने की बात कही है, जिस प्रकार युवाओं को अप्रेंटिस देने की बात कही है, जिस प्रकार महिलाओं को हर मुख्य परिवार की मुख्य महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल उनके खाते में देने की बात कही है, और तमाम ऐसे विषय हैं जो आज कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी है, जो संकल्प पत्र 25 गारंटी जो हमने दिया है, मैं समझता हूं आज भारत की जनता 102 सीटों पर, और ना सिर्फ 102 सीटों पर बल्कि वह परिवर्तन के मोड में आ गई है, बदलाव के मोड में आ गई। चलिए ठीक है, हरी जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरी जोशी जी, अगर आपने अभी कांग्रेस के नेता को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि अभी बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे वो कि 102 सीटों में से आप लिख कर ले लीजिए कि 80 से 90 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, और इसी के साथ कहा कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है जनता। देखिए ये तो इन लोगों के दावे प्रतिदावे हैं, इनमें इनको ये भी कह सकते हैं 200 सीटें जीतने जा रही है, और हमारे भाजपा के साथी बैठे हुए हैं ये कह सकते हैं 200 में से हम 200 जीतने जा रहे हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं है हम कितना जीत रहे हैं, कितना ये जनता बता देगी 6 तारीख को कि किसने कितना जीता। एक मिनट सर, आपको रोकना चाहूंगा, वोट करने के लिए आती हूं और मेरे यहां पे टीचर सर हमेशा वो मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया है वैसे मेरे सर टीचर ने भी मुझे सपोर्ट किया है और वो अभी भी करते हैं। ये तो मैं कैसे बताऊँ, मतलब जो हमारे देश की सेवा करे और मतलब किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना आने दे, ऐसा एक अच्छा नेता चाहिए हमें। मैं तो यही कहूंगी कि सब छोटे बड़े जो भी कुछ है बुजुर्ग वगैरह सभी ने मतदान करना चाहिए, क्योंकि अपन देश में रहने का हक है तो इलेक्शन करने का भी हक है अपने को, इसलिए सभी ने मत देना चाहिए। ये तो अपन नहीं बता सकते, उनकी किस्मत की बात है, ये तो हम नहीं बता सकते। चलिए, आपको लगातार प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे हैं जो लोग। जनता ने मुद्दा बनाया है, हमने तो सिर्फ यही कहा है कि हमको एक मौका दीजिए। हाँ, एक समस्या है उसके बारे में हमको भी मालूम हुआ है, पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी बात कर रहे हैं कि BLO जहाँ कहीं रहे हैं वो पर्ची देने में कोताही की है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जहां जहां पर्ची नहीं मिली है अभी भी मौका। चलिए, लगातार प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे, वापस चर्चा में लौटते हैं। हरी जोशी जी, शायद आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। आपने कहा तो मैंने अपनी बात उस सवाल के जवाब में तो हाँ पूरी कर दी थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, बल्कि हमारे बच्चों जैसे हैं, युवा हैं, बहुत खुशी होती है इन्हें देखकर। आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, और आपको मालूम है कि इसमें धर्म का, भगवान का, बच्चों का बहुत सारे प्रतिबंध हैं। तो बार बार भारतीय जनता पार्टी मतलब एक ही गोल में क्यों जाती है, भगवान के दर्शन करने जाते हैं अपना। देखिए मैं पूजा करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं शाकाहारी हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है, अगर आहार का धर्म से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और ये सारी चीजें जो है, चुनाव जो है वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कम से कम ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम मान मर्यादाओं का पालन करें। ठीक है, और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भी बिल्कुल खामोश बैठा रहता है।
चलिए ठीक है, हरी जोशी जी वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच मेरे सहयोगी राजकुमार पाल इस वक्त हरिद्वार से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। मतदान स्थल पर इस वक्त आप खड़े हुए हैं, अगर यहाँ पर लोग आपके आसपास हैं, एक बार जाइए उनसे बातचीत करिए कि आखिर वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आज वो वोट कर रहे हैं। बिल्कुल निशा, आपको बता दें आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। लगातार जो है भारी संख्या में वोटर जो है निकलकर सुबह अपने अपने मतदान केंद्रों पर यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक जी, उनसे बात करेंगे। आज यहां वोट करने के लिए पहुंचे हैं, कैसा रुझान देखने को मिला? देखिए, लोगों में बड़ा उत्साह है इस लोकतंत्र पर्व में। अधिक से अधिक लोग भाग लेने के लिए घर से निकल रहे हैं, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं। सभी को लगता है कि इस पर्व में हमारी हिस्सेदारी हो, उन्हीं को लगता है कि हम भी एक ऐसी सरकार चुने जो सरकार राष्ट्रवाद को मजबूत और प्रखरता के साथ रखने वाली सरकार है, जो सरकार विकसित भारत बनाने वाली सरकार इस रूप में काम कर रही है, जो सरकार सांस्कृतिक केंद्रों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, एक मजबूत राष्ट्र की बात कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक बड़ा कार्रवाई करके भारत के मजबूत होने का संकेत दे रही हो, ये सब लोगों के मन में है। इसलिए आप देखेंगे लोग अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं, उनके पक्ष में कैसा रुझान मिल रहा है? ये 2019 का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और आप देखेंगे कि हरिद्वार लोकसभा अपने एक शानदार तरीके से हम लोग जीत के और एक अब की बार 400 पार की जो माला है, एक मोती हमारा उस पर नजर आएगा। बिल्कुल, आपने सुना है हरिद्वार से विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं मदन कौशिक, इनसे सीधी बातचीत हमने की है। लगातार जो है वोटर यहां पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, मतदान स्थल पर मौजूद है इस समय। मदन कौशिक ने भी यहां पर वोट किया है। लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में यहां पर मजबूत जनाधार देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की वीरेंद्र रावत की, तो लगातार उनके पक्ष में भी यहाँ पर समर्थन जुटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई है, अभी 5% वोटिंग का जो अंदाजा है वो लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे राजकुमार पाल, के ईवीएम में कोई खराबी की बात खबर तो सामने नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही है कि ईवीएम में खराबी की बात आ रही है, तो क्या अभी तक कोई जानकारी यहाँ से निकल पाई कि ईवीएम में कुछ खराबी, ईवीएम को लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ईवीएम में अगर कोई खराबी होती है तो एक्स्ट्रा ईवीएम मशीनें जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगाई गई हैं। जैसे ही किसी भी ईवीएम में अगर खराबी आती है तो मतदान में कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर जो है जिला निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर सुविधा बनाए हुए हैं, जिससे कि मशीनों को तुरंत वहां पर पहुंचाया जाए, फिर से मतदान जो है शुरू करवाया जाए। लेकिन अभी ऐसी कोई जो समस्या है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो वोटर है वो घरों से निकलना शुरू हो गए, लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर भी हैं, बुजुर्ग वोटर हैं, इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग करने आए, आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ वोट करने आए। आज असली मुद्दा तो विकास का ही है और सभी का विकास हो, यही हम चाहते हैं। एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत है, एक तरफ वीरेंद्र रावत है, तो किसका रुझान देखिए? ये वैसे तो इस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ही प्रचार यहाँ ज्यादा हो रहा है और हो सकता है वही जीत के निकल के आए, जहाँ तक हमारा विचार है वही जीतेंगे। बिल्कुल, वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और वोटर भी हैं, चलिए ठीक है, जो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए राजकुमार, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, जैसी कोई हलचल यहां पर होती है तो तुरंत हमें अपडेट कीजिए। चलिए, इसी बीच संजीत सिंह का एक बार मैं रुक करूंगी, शायद कुछ कह रहे हैं आप। निशा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी रमेश कौशिक जी कह रहे थे राष्ट्रवाद की बात, मैं ये उनसे प्रश्न करना चाहूंगा आपके माध्यम से। मदन कौशिक है वो विधायक, मदन कौशिक। हाँ, मदन कौशिक जी विधायक, उनका ये कहना था राष्ट्रवाद का आज विकास हुआ है इस मोदी जी के शासनकाल के अंदर। तो प्रश्न ये है कि लगभग 18 बार आपने चाइना से बातचीत की, चाइना आज भी हमारे जमीन पर काबिज है, आज भी हमारे जमीन पर, और उन्होंने छोड़ा नहीं हमारी जमीन को, क्या कहेंगे मदन कौशिक जी उस बात पर? मैं कहना चाहता हूं कि 85 रुपए के आसपास डॉलर चला गया है। आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि इस देश के अंदर जो मोदी मनमोहन सिंह जी की उम्र से ज्यादा डॉलर की संख्या हो गई है, डॉलर की वैल्यू हो गई है। मैं कहना चाहता हूं क्या कहेंगे इस 10 साल के बाद आप, आज 85 रुपए का एक डॉलर बिकने जा रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे,
कि आज मालदीव एक छोटा सा राज्य, छोटा सा प्रांत हमारा पड़ोसी है, वो हमारे सैनिकों को, जहां के हमारा एक नवल बेस हुआ करता था, हमारे सैनिकों को निकाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ किस प्रकार का राष्ट्रवाद आपका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बर्मा आज वहां सैनिक शासन है, लेकिन इस देश के अंदर हमारे तथाकथित 56 इंच के सीने वाले आदरणीय मोदी जी बर्मा के अंदर आज भी वहां सैनिक शासन, और वहां पर जो जिस प्रकार की जो लोकतंत्र समर्थक नेता है आज भी जेल के अंदर है। मैं समझता हूँ राष्ट्रवाद की परिभाषा उनको पुनर्विचार करनी चाहिए, जो खोखले राष्ट्रवाद उनका है वह विचारणीय है। मैं समझता हूँ देश की जनता ये बात आप समझ गई है। ठीक है शमशी आजाद जी, आप जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल उठाए अभी थोड़ी देर पहले जब सीएम पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी का की जो बाइट आई, उसके बाद उन्होंने सवाल उठाए महिला सम्मान पर, उसके बाद अभी मदन कौशिक जी को उन्होंने सुना, तो फिर सवाल उठाए, जरा जवाब दीजिए। सवाल उठाएंगे ये, क्योंकि इनके पास सवाल उठाने के अलावा और कुछ है नहीं, ना इनके पास जनता है ना इनके पास जनता के मुद्दे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता है तो आप देखिए कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पर, ट्विटर पर और आपके चैनलों के माध्यम से इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन जनता पूरी तरीके से जानकार हो चुकी है। जनता ने इनको अमेठी से भी उखाड़ फेंका, और इस बार तो आपने देखा कि इनको केवल 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा, और वो भी वो सीटें जो इनको मालूम है कि 84 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने जीती ही नहीं। हद तो ये हो गई कि कल आपने देखा होगा कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अखिलेश यादव परसों गाजियाबाद में, और वहां पर भी राहुल गांधी इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे और अखिलेश यादव पीडीए चिल्ला रहे थे। तो जब अपनी ही दो टीमों के बीच में इनका जो है तालमेल सही नहीं है, इनका जो है लेन देन सही नहीं है, तो जनता के बीच में जाकर जनता से वादे करने का तो हमको तो निर्लज्जता वाला चेहरा इनका लगता है। किस तरीके से ये बयान दे देते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयान देने पर। एक तरफ वो पार्टी है जिसके साथ आज भारत की जनता हर तरीके से खड़ी, आज मोदी की गारंटी के नाम पर वोट दिया जा रहा है, आज जो है मोदी के विकास पर वोट दिया जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन दल है उनके नाम पे वोट दिया जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को मजबूत करने का काम किया है। कभी ये होता था कि पंजाब को अलग कर दिया जाए, कभी ये होता था कि बलूचिस्तान सिंध को अलग कर दिया जाए, कभी ये होता था खालिस्तान बना दिया जाए, और ये होता था तो ये होती थी कि छोटे से मैच में भी पाकिस्तान का झंडा लगाकर कांग्रेस पार्टी वाले जो है मिठाइयां बांटा करते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, पुलिसकर्मियों पर और फौजियों पर जो है पत्थर फेंका करते थे। तो कम से कम जो वर्दी थी खाकी की हिंदुस्तान में, उसका जो है इन्होंने जो हमेशा अनादर किया, जो देश के जो फौज जिसको कहा जाता सेना कहा जाता था उसके सम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाई, तब आज जाकर कहीं ना कहीं ये सोची छोटी चीजें सारी इकट्ठा हुई और उनके सामने विकल्प के रूप में आदरणीय मोदी जी का जब चेहरा आया तो लगा कि देश की जनता को कि अब जो है देश की बागडोर एक ऐसे नेता के हाथ में जा रही है जो देश को मजबूत करने का काम करेगा। और लगातार 2014 के बाद से जिस तरीके से भारत को एक अटूट गठबंधन में बांधा है, जिस तरीके से आज अखंड भारत कहा जा रहा है, तो ये सारी चीजें भी जनता को पता है। जनता आज की समझदार है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उनको ये पता है कि कौन सा नेता जो है वो देश को चला सकता है। ये छोटी छोटी सीटों पर मतदान अवश्य करें और देश के भविष्य के लिए करें, विकसित भारत के लिए करें। सर विपक्ष लगातार कह रहा है कि 500 सीटें आ रही हैं क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई दोनों मुद्दों को नदारद रखा है। वो कह रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कितना आश्वस्त है, कितने से 100% कि 5 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, हरिद्वार लोकसभा हम 5 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया आपने सुनी, उन्होंने कहा कि विपक्ष जरूर कह रहा है जीतने की बात, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और बार बार वो एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीतने वाले हैं। चलिए वापस चर्चा में लौटते हैं, शमशी आजाद जी वापस आपका मैं रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं हरी जोशी जी के पास एक बार जाऊंगी। हरी जोशी जी, आप उत्तर प्रदेश में लौटते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर पीलीभीत सीट की अगर मैं बात करूं तो देखिए वरुण गांधी का टिकट यहां से कटा है, एक बार इसके गणित को भी समझने की कोशिश करते हैं। जितेन प्रसाद को यहां से उतारा गया है, सपा से भगवंत शरण गंगवार है और बसपा से अनीश अहमद खां मैदान में है। देखिए ऐसा है कि पीलीभीत की सीट पर वरुण गांधी का टिकट काटा गया है और जितिन जी वहां से लड़ रहे हैं। जितिन जी भी मूल रूप से भाजपा ही नहीं है, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हो गई है कि उसमें एक पार्टी और अंदर उगाई है, उसका नाम है भांगरेस, जो कांग्रेस से भाजपा में दल बदल करके आए हैं, तो उनको बड़ी तरजीह मिल रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो अंदर से काफ़ी नाराज दिखाई देता है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो भीतर ही भीतर सुलगते रहते हैं, नाराज दिखाई देते हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं, अनुशासन पार्टी में चाहिए वरना दिक्कत होगी।
और पीलीभीत में जितिन ने अभी तक कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी चुनाव जीतने का बहुत बेहतरीन नहीं रहा है। वहाँ अच्छा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, एक तरफा नहीं है। वरुण गांधी होते तो जीत आसानी से होती, वरुण गांधी नहीं है तो ये थोड़ा सा मामला अब 6 तारीख को ही पता चलेगा वहाँ पर क्या परिणाम आ रहे हैं। ये अभी उसका मतलब हम आकलन कर सकते हैं कि मुकाबला कड़ा है और गंगवार जो है वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं वहाँ पर। और एक चीज और देखने को मिली है, जो वरुण गांधी के साथ नजर आते थे लोग वो अखिलेश की स्टेज पर नजर आए इस बार। तो इसका मतलब ये है कि जो वरुण गांधी के जो फॉलोअर्स हैं या जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं जितिन के साथ वहां लगे हुए हैं। ठीक है हरीश जोशी जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। संजीव सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है।